माता की, भारत माता की। आज के इस जन आक्रोश प्रदर्शन में, जो आज हमारे कांगड़ा जिला के अंतर्गत यहां पर किया जा रहा है, जिनका भी आपने संबोधन सुना, बहुत जोरदार चुटकुली कहानी भी सुनाई इनने, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, सांसद लोकसभा, सांसद राज्यसभा, और वर्तमान में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हिमाचल प्रदेश में पार्टी के प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही जुझारू अध्यक्ष जो रौनक लगाते हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे कांगड़ा के नहीं नहीं जसवा प्रागपुर तो ऊपर है, सिर्फ तख्ती नीचे की है थोड़ी, कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रभारी, हमारे वरिष्ठ साथी सोलह के विधायक भाई विपिन सिंह परमार जी, पूर्व मंत्री और वर्तमान में लोकप्रिय विधायक भाई विक्रम ठाकुर जी, हमारे बीच में लोकप्रिय विधायक श्री पवन काजल जी, पूर्व में मंत्री रही सरवीण चौधरी जी, पूर्व में मंत्री श्री रविंदर रवि जी, श्री राकेश पठानिया जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री त्रिलोक कपूर जी, पार्टी के हमारे साथी और विधायक श्री रणवीर निक्का जी, पार्टी के हमारे साथी संजय गुलेरिया जी, संजीव शर्मा जी, राजीव भादवा जी, राकेश जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष तिलक राज जी, पूर्व विधायक अरुण मेहरा जी, पूर्व विधायक रवि जी, रवि धीमान जी, मुल्कराज प्रेमी जी, पार्टी के हमारे साथी हरिदत्त शर्मा जी, संजय शर्मा जी, पूर्व विधायक अर्जुन ठाकुर जी, भाई अनिल जी, राकेश चौधरी जी, विशाल नेहरी जी जो पूर्व विधायक है, धर्मेश राणा जी, पार्टी के हमारे मंडल के सभी पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी उपस्थित, सभी भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं क्षमा चाहूंगा बहुत सारे नाम छूट भी गए होंगे, अन चौधरी सुखराम जी, इनके लिए मुझे लगता है ताली बजाने की आवश्यकता, क्योंकि दूर से आए हैं वो, उस कोने से आए हैं और इस कोने में पहुंचे हैं। सुखराम चौधरी जी भी हमारे बीच में हैं। आज की इस जन आक्रोश रैली में आप सब लोग बहुत ऊर्जा के साथ, जोश और जुनून के साथ यहां पर शामिल हुए। मैं पार्टी के संगठन के सभी नेताओं को जो मंच पर बैठे हुए हैं और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जो सामने बैठे हैं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूं, बधाई देता हूं। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि छोटे से एक साल के कार्यकाल में लोग सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर खड़े होकर के सरकार के खिलाफ इस कदर खड़े हो जाए, कुछ तो हुआ होगा, और कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ। जो गलत हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा दायित्व है। और आज मैं देख रहा था कि कुछ दिन पहले 12 तारीख को, जिस दिन सरकार का, सुखू जी की सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ, वही पुलिस ग्राउंड जहां उन्होंने सरकारी सभा की, और आज वही सरकारी ग्राउंड 18 तारीख को जहां आक्रोश रैली की शुरुआत हुई। सबसे बड़ी बात, एक चीज को वहां पर देख सकते हैं,
कि 12 तारीख के वो जश्न, जिसका जश्न उन्होंने कहा कि जश्न मना रहे हैं एक साल के कार्यकाल का, और वहां के हालात क्या थे, कुर्सियां पीछे खाली हो रही थी, मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे, और आज 18 तारीख को जब आक्रोश रैली का आयोजन किया जाता है कि जिस तरह से हमारे जोश और जनून के साथ हमारे साथी उस मैदान में खड़े हुए, बिना साधन के, बिना सुविधा के, अपनी व्यवस्था से वहां पर पहुंचे और कार्यक्रम में भाग लेने के बाद यहां आज इस चौक पर यहां इकट्ठे हुए हैं, कुर्सी तो छोड़िए लेकिन आदमी के साथ आदमी सटा होकर के खड़ा हुआ है, इतने दिल धरने की जगह है। मुझे लगता है कि अंदाजा लग जाना चाहिए कि क्या होने जा रहा है आने वाले समय में, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को इस बात का इलम भी हो गया है, अंदाजा भी लग गया है कि आने वाला वक्त बहुत खराब है। अभी जो जश्न मनाने की बात चली कांग्रेस के एक साल के कार्यकाल की, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि जश्न मनाए तो मनाए, कि इस बात का काम तो एक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जोर से कहा कि जश्न मनाना है, इसलिए मनाना है, नहीं तो बोलेंगे कि कांग्रेस वालों ने स्वीकार कर लिया कि कुछ नहीं हुआ इसलिए नहीं मनाया। जश्न मनाने की तैयारी हुई, सरकारी अमला जोड़ा गया, सरकारी तंबू लगाया गया, सरकारी गाड़ियों में लाने का इंतजाम किया गया, और झूठ बोल करके जो पार्टी सत्ता में आई, झूठी गारंटियों के सहारे एक साल पूरा होने पर भी लोगों के साथ झूठ बोला गया, राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका गांधी आएंगे, प्रियंका तो हिमाचल प्रदेश में थी और शिमला में धूप सेकती रही, लेकिन कहा कि मैं जश्न का हिस्सा नहीं बन सकती हूं क्योंकि तुम नालायकों ने एक भी काम एक साल में किया नहीं, जश्न मनाने के लायक नहीं, मैं इससे दूर ही ठीक हूं, शिमला से भी आ नहीं। लोग इस बात को लेकर के हैरान थे कि जश्न की बात कही जा रही है, फिर कुछ लोगों ने कहा कि जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि भाई जैसे कैसे एक साल तो निकल गया, उम्मीद नहीं थी। और आज जो हालात पूरे प्रदेश भर में बने, आज हम इस बात को पूछ रहे हैं इस आक्रोश रैली में कि जश्न किस बात का, ये समझाइए तो सही, क्या इस बात का जश्न मनाया गया कि हिमाचल प्रदेश में आपने एक साल के कार्यकाल में 1500 से ज्यादा संस्थान जो चले हुए संस्थान थे उन पर ताला लगा दिया, क्या इस बात का जश्न मनाया गया, क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में 500 से ज्यादा लोगों की त्रासदी में जिंदगी चले गई, इस बात का जश्न मना रहे हो क्या, क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में, जिस हिमाचल में एक भी व्यक्ति घर के बिना नहीं था, आज 15,000 लोग उस त्रासदी की वजह से बेघर हुए पड़े हैं, इस बात का जश्न मना रहे हैं आप, इस बात का जश्न मना रहे हैं जहां आपने वादा किया था कैबिनेट की पहली बैठक में पहला निर्णय होगा कि माताओं को बहनों को 1500 रुपए खाते में आना शुरू हो जाएंगे, एक भी महिला के खाते में एक रुपए नहीं आया, इस बात का जश्न मना रहे हो क्या, क्या इस बात का जश्न मना रहे थे आपने हिमाचल प्रदेश में कहा कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां, एक साल में 1 लाख नौकरियां और कैबिनेट की पहली बैठक में निकाल दी जाएंगी, नौकरी तो एक नहीं मिली लेकिन हिमाचल प्रदेश के 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी नौकरियों से निकाल दिए गए, 7 महीने से तनख्वाह नहीं, बिना साइन के चेक था, डॉक्टर साहब बोल रहे, आखिर कितना झूठ बोलोगे,
और ऐसे हालात में आपके सामने परिस्थिति इस प्रदेश की है भाई और बहनों। हमने भी त्रासदी का दौर देखा, 2 साल तक कोविड का दौर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी काम हो रहा था, सड़क का काम चला हुआ था, पुलों का काम चला हुआ था, स्कूल के भवन का काम चल रहा था, कॉलेज का भवन बन रहा था, हॉस्पिटल का भवन बन रहा था, चारों तरफ विकास हो रहा था। लेकिन आज चारों तरफ बंद, सब कुछ बंद। आप हिमाचल प्रदेश में हालात देख रहे हैं, 6 महीने बाद इस बात में गीत गाते गुजार दिए, जयराम ने लोन लिया, जयराम ने लोन लिया, जैसे कि मैंने ही लिया, आज से पहले कभी लिया ही नहीं। जयराम ने इतने 17,000 करोड़ रुपए का ऋण हमारे ऊपर चढ़ा दिया, जैसे कि वो जब 2017 में उनकी सरकार गई थी, वीरभद्र सिंह जी सत्ता से बाहर हुए थे, उस वक्त हमको जो है वो नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे करके गए थे, 50,000 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ करके गए थे हमारे ऊपर, 38,500 करोड़ रुपए की देनदारियां हमने अपनी सरकार के दौरान हमने उनकी अदा की। और फिर भी मैंने विनम्रता के साथ कहा, सुखू भाई अगर जयराम से गलती हो गई है ऋण लेने की, तुम मत करिए, आप मत लीजिए ना। अगर जयराम ठाकुर ने ऋण लिया तो सड़कें बनी, हिमाचल के इतिहास में 5 साल का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार के नाम पर है, जहां 4,700 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में हमने बना करके तैयार की, कभी नहीं बनी इतनी लंबी सड़कें। लेकिन आप किस बात के लिए ऋण ले रहे हैं, काम तो बंद है। ऋण इसलिए ले रहे हैं, जीपीएस बना दिए है, ऋण इसलिए लिया है कि एडवाइजर्स बना दिए है, ओएसटी बना दिए है, ऊपर वाली मंजिल में एडवाइजर अलग से है, नीचे वाली मंजिल में एडवाइजर अलग से, इस दरवाजे के उस तरफ जाते हैं तो वहां अलग एडवाइजर बैठे हैं, और वो असली तो इस कदर बना दिए कि मालूम नहीं, अब गिनती नहीं, हमने पूछा कांग्रेस के किसी नेता को कितने ओएसटी, वो तो पता नहीं है, ये तो साहब को ही पूछो। ये तो हालात हिमाचल प्रदेश में, और आज हिमाचल प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक जो है वो होर्डिंग लगे हैं, काम ढीले का नहीं हुआ। लेकिन दौर कौन सा, नया दौर, व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, किस तरह की व्यवस्था को परिवर्तन कर रहे हैं आप? ना आपकी पार्टी के लोग समझ पा रहे हैं, ना आपकी पार्टी के नेता समझ पा रहे हैं इस व्यवस्था परिवर्तन के नारे को, और ना ही जनता समझ पा रही है, ना हम समझ पा रहे हैं। हमने तो हिमाचल प्रदेश में 2 सालों में लगभग 6,000 करोड़ लिया था ऋण, और यहां तो 1 साल में कितना हो गया डॉक्टर साहब, 14,000 करोड़ रुपए ऋण हो गया, 14,000 करोड़। क्या होगा आने वाले समय में? और बड़ा अजीब लगा मुझे इस बात को लेकर के हैरानी, अब मुख्यमंत्री बोल रहे थे अब कि हमने ये तो नहीं कहा था कि जो गारंटी दी है हमने कि हम 1 साल में पूरा करेंगे, हमारे पास तो 5 साल है भाई, 1 तो निकल गया, और जो 4 बचे हैं मालूम नहीं वो कैसे निकल जाएंगे, मालूम नहीं पड़ता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आपने 5 साल का जिक्र नहीं कहा है, आपने तो 1 बात कही है हमेशा कांग्रेस के नेताओं ने, क्या कही है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कैबिनेट की पहली बैठक में बहनों को 1500 रुपए मिलेगा। कैबिनेट की पहली बैठक तो हो गई भाई, कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1,00,000 नौकरियां निकाल दी जाएंगी, 1 व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। अब जवाब देना मुश्किल हो गया, इसलिए भाई और हरिद्वार जाकर के भी मुझे लगता कि हरिद्वार के प्रति हमारी श्रद्धा है,
बहुत सम्मान है और उसको भी अपवित्र करने की बात मुझे लगता है कि हमको नहीं करनी चाहिए। और वहां जाकर के भी पाप नहीं धुलेंगे। अभी हाल ही में एक सांसद महोदय के यहां से नोट निकले, मशीनें हांफ गई, सारी मशीनें इकट्ठा कर दी, गिनती के लिए 4 दिन लगे, कितने निकले? 355 करोड़ निकले। मुझे मालूम नहीं आंकड़ा कितना, 350 से ऊपर गया है, 350 करोड़ से ऊपर का, 353। और वो तब जब सत्ता में नहीं है। अगर सरकार में होते तो तब तो इनका आंकड़ा हजारों करोड़ का होता है, 86,000 करोड़ रुपए का, 76,000 करोड़ रुपए का, इस प्रकार के आंकड़े भ्रष्टाचार के होते। भाइयों बहनों, बहुत सारी बातें हैं जिन बातों का हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं आप सबके यहां आपके समक्ष आज जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल मिलकर के चलता है, मिलकर के आगे बढ़ता है। क्या कसूर इस कांगड़ा का, जहां 15 में से कितने विधायक कांग्रेस के हैं? 10 है। और मंत्री एक साल में एक दिया, एक साल पूरा होने के बाद फिर एक और जोड़ा गया। ये कांगड़ा को जलील करने की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 4 मंत्री थे, कांगड़ा को, कांगड़ा के सम्मान के प्रति जो है वो अनुरूप जो है वो हिस्सा दिया गया था सरकार में। और मुझे इस बात को लेकर के जो अभी नए नए मंत्री बने हैं उन्होंने अभी स्टेटमेंट दी कि कांगड़ा का हिस्सा पूरा हो गया, कांगड़ा का शेयर पूरा हो गया। आपका तो हुआ होगा लेकिन कांगड़ा का नहीं हुआ होगा। चलो तो कांगड़ा को तो 2 मंत्री मिल गए, इधर मंडी वालों का हाल तो पूछो। और हिमाचल प्रदेश में 2 बड़े जिले हैं, कांगड़ा जहां 15 है और छोटा भाई मंडी, 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, 10 में से 9 भाजपा के हैं, एक मुश्किल से जीत करके आए हैं, वो भी अभी तक इंतजार में बैठे हैं। और जिस प्रकार से सारे काम को रोका जा रहा है, दुर्भावना के साथ व्यवहार किया जा रहा है, ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और मुझे लगता है कि हम क्षेत्रवाद की बात को लेकर के हम विश्वास नहीं करते, लेकिन जब अन्याय होता है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना हमारा जिम्मा है। इसलिए कांगड़ा और मंडी इस अन्याय के खिलाफ जरूर बात करेंगे, जरूर जरूर आवाज उठाएंगे, इस बात को मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं। छोर डाल रहे थे कि अभी जिस दिन गिनती थी, वोट की गिनती थी, कितनी तारीख को गिनती थी? अभी थी गिनती 4 राज्यों की 3 तारीख को विधायक दल की बैठक बुला ली गई शिमला में। कांग्रेस वालों ने यशन का इंतजाम कर दिया, ढोल नगाड़े जो है लगा करके जमा करके रख दिए गए कि सरकारें बनेंगी, और कहां बनेंगी? राजस्थान में भी बनेगी, मध्य प्रदेश में तो पक्का बनेगी, छत्तीसगढ़ के बारे में तो कहते थे छत्तीसगढ़ तो मॉडल है, मॉडल पूरे देश भर में लागू होगा। परिणाम निकला, शाम को विधायक दल की बैठक मातम में बदल गई, ढोल नगारे जो रखे गए थे, जो जश्न का सामान रखा गया था गाड़ियों में भर करके वो भेज दिया गया। इस प्रकार की हालत कांग्रेस पार्टी। और मैं आज बधाई देना चाहता हूं आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कि शानदार जीत आपने राजस्थान में हासिल की, और बहुत लंबे समय से 18 वर्षों से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में, जहां कहा जा रहा था मुश्किल है वहां फिर से भाजपा की सरकार बनी,
और छत्तीसगढ़ मॉडल की बातें तो बहुत कही जाती थी, वो मॉडल ही फेल वहीं पर हो गया जहां से गारंटियों की शुरू हुई थी, झूठी गारंटियों की शुरुआत हुई थी, वही गारंटियां दफन हो गई। और इस प्रकार से तीन बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके लिए मैं भाई नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं, और साथ साथ में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पार्टी को मजबूत किया गया और भाजपा की सरकारें बनी। और इसलिए भाई और बहनों, आने वाले समय में जहां लोकसभा के चुनाव के बारे में हम बात करते हैं कि मुझे लगता है कि साफ संदेश लोगों के दिल दिमाग में बैठ गया है, ये देश की जरूरत, इस देश की जरूरत नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं, पृथ्वी पर नरेंद्र मोदी जी का परचम एक कोने से दूसरे कोने तक और यहां तक के चांद तक भारत पहुंचा, चंद्रयान का अभियान सफल हुआ। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी आज पूरी दुनिया के सर्वप्रिय, सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में है, 76% के साथ जो है शिखर पर नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिसके लिए मैं भाई नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसलिए भाई और बहनों, मेरा आप सबसे यही निवेदन है, ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का आपका रुख हमको बड़ा साफ और स्पष्ट दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ में हमको आने वाले समय में जो कुछ महीनों के बाद लोकसभा का चुनाव है, तीन राज्य जीते हैं और हैट्रिक बनी है, हैट्रिक के बाद फिर हैट्रिक, नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए हम सब लोगों को काम करना है, इसके लिए हम सब लोगों को मेहनत करना है। और उसके लिए मैं यही कहूंगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती है, देश के प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक दशक पूरा किया है, दूसरा दशक शुरू होने जा रहा है। जब हम दशक का जिक्र करते हैं तो कांग्रेस वालों का दिल धड़कना शुरू कर जाता है, अब लंबा इंतजार कैसे करेंगे, इतना लंबा कैसे करेंगे भाई, वो तो करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। बहुत उछल रहे थे, एक दो राज्य में सरकारें बन गई, और आज मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, जो सरकारें बनी हैं वो ठीक तरह से देख लेना चल पाए। और यहां तक मैं हिमाचल के संदर्भ में यही कहूंगा, शोर डाला जा रहा है कि ये होगा वो होगा, हम तो कुछ नहीं, हम तो जनता की आवाज को बुलंद करेंगे, और जनता की आवाज जब इस कदर बुलंद होगी, उस आवाज के सामने ये सरकार धराशाही हो जाएगी। मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में भविष्य भाजपा का है, चाहे देश में है चाहे वो प्रदेश में है, उसमें आप सबका सहयोग, आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं इतने कहना चाहता हूं कि जो गारंटियां, झूठी गारंटियों के सहारे सरकार बनाई गई है, अब उन सारी बातों का जिक्र लोगों तक कहने की आवश्यकता नहीं। अब लोग इस बात को लेकर के बड़ा साफ कह रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि दौर आने दीजिए, अभी निपटा देंगे, गोबर की झूठी गारंटी, दूध की गारंटी, और सारी बातों को लेकर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आज देश में गारंटी के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति, एक नेता की गारंटी मान्य है, और उस गारंटी को पूरा करने की गारंटी भी है, और वो है नरेंद्र भाई मोदी जी। आओ हम आने वाले समय में इस काम के लिए जटे कि देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए, बनाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए पूरी ताकत के साथ लगे, और हिमाचल प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंक करके बाहर फेंकने के लिए जो शुरुआत आप लोगों ने की है, इस काम को हम धीमा नहीं होने देंगे, इस जोश को हम कम नहीं होने देंगे, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। इतनी बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, आप सभी का बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर हमारे साथी जितने भी बैठे हैं, पार्टी के संगठन के, पार्टी के नेता, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और कल से विधानसभा का सत्र है, और विधानसभा के सत्र में जो तापमान आपने यहाँ बढ़ाया है धर्मशाला का, सर्दी के मौसम में
इसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता।